ज्यादा अंदर जा मत। के लिए बहुत ही मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि रमज़ान महीना एक इतना मुबारक महीना है कि जो कोई रमज़ान में रोज़ा खुलवाता है अल्लाह ताला उसके लिए रहमत का सबब है। और मैं समझता हूँ कि सभी समाज के लोगों को इन्होंने यहाँ बुला के रोज़ा अफ्तारी की, यही एक मतलब रोज़ा अफ्तारी की परम्परा है कि सभी समाज के लोग मिलकर एक दूसरे के साथ रोज़ा अफ्तारी करते हैं। जैसे दिवाली और ईद मिलन होता है, इसीलिए मुबारक महीने में ईद मिलन भी करते हैं। मैं उनकी प्रोग्राम को मुबारक देता हूँ, मुंबई अध्यक्ष होने के नाते कल इस्लाम जिम खाने में बहुत ही बड़ी रोज़ा अफ्तारी की गैदरिंग नज़र पड़े। आप सभी लोग और सभी लोग में जा रहे हासिल करें, और हर साल इस साल जैसे रोज़ा अफ्तारी हर साल किए इसी तरीके से रोज़ा अफ्तारी मैं बात करता हूँ, तो बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नावेद जादव है, मैं खाटिक सहारा फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और ये कार्यक्रम है। मैं नावेद जादव स्टेप बहुत यूनिवर्सिटी यूनिटी फाउंडेशन मिल के गया है और हमें जो समर्थन दिया गया है बहुत अच्छा समर्थन मिला है संतोष पाठक जी से, वो यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भाजपा अध्यक्ष हैं। विलास भाव बडवाई जो प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब असंगठित कामगार विभाग के, निर्मला ताई जो एक्स मेयर रह चुके हैं उनका मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ, सुरेना डॉक्टर सुरेना मल्होत्रा जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है महिला विभाग की, और उसके साथ साथ विद्या ताई चौहान जो हमारी VIP गेस्ट में शामिल है, एक्स माजी आमदार है विद्या ताई, प्लस हमारे जिला अध्यक्ष मिलिंद अन्ना कामले जी वो भी माजी आमदार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, और भी कई लोग हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ कि उनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। और इसी तरह ये हमारा तीसरा साल है इफ्तार पार्टी का, हम लोग पिछले 3 साल से कर रहे, वैसे तो 5 साल से कर रहे इफ्तार पार्टी को, लेकिन अभी हम संस्था के माध्यम से ये दूसरा साल है और आने वाले सालों में भी इसी तरह हम इफ्तार पार्टी करते रहेंगे। और मुस्लिम एकता, हिंदू भाईचारा, ये जितने भी हमारे गंगा जमुना तहजीब दर्शाती है, हमारे बांद्रा वेस्ट में कभी ऐसा कोई माहौल नहीं बना, और क्योंकि हम सब यहाँ भाईचारे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलके रहते हैं, हम वो हमारे इफ्तार में आते हैं, हम उनके दूसरे कार्यक्रमों में जाते हैं, तो भाईचारा यहाँ पर बहुत अच्छा है, इसीलिए कार्यक्रम आसानी से हो पाया है और बहुत अच्छे से हो पाया है। माशाल्लाह यहाँ पे तकरीबन 400-500 लोगों का मजमा जमा हुआ इस इफ्तार पार्टी में, और मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इनविटेशन को यहाँ पर आए, जैसे भाऊ भंडारा से यहाँ आए, हमारी मीना ताई पूना से आए, अशोक जी पालघर से आए, तो इतने दूर दूर से लोग आए, हमारे गवालों के अध्यक्ष तुका पाटिल जी वो गोवंडी से आए, भास्कर साहब दगड़ू महाराज, हमारे बहुत से समाज के लोग हैं जो इस कार्यक्रम में आए, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे विलास भाई बडवाक साहब कहें। मी मराठी मध्ये बोलतोय, चल मी विलास बडवाईक, राष्ट्रवादी काँग्रेस असंघटित कामगार सेल शरदचंद्र जीगड। बघा, हे रमजान मुबारक इफ्तार पार्टी जी आहे ही कुठल्याही म्हणजे असं की पक्षाची नाही आहे, सर्व धर्मामधून ह्यांनी ठेवलेली आहे। गेले कित्येक वर्ष नवेशभाई जाधव हे बांद्र्यामध्ये
त्यांच्या समाजाला धरून आणि इतर मित्रमंडळाला धरून जे काही इफ्तार पार्टी सगळ्यांना एकत्र करून हे करतायत, हे त्यांचा स्वागत आहे, आनंद आहे ह्या गोष्टीमध्ये. कुठलाही राजकीय हेतू न ठेवता, कुठलाही मनामध्ये कुठलाही हेतू न ठेवता त्यांनी जी काही इफ्तार पार्टी ठेवलेली आहे सगळ्यांना जमा करून आनंदाचा सुखाचा ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत की गोरगरीब ह्याच्यामध्ये मोठे मोठे दिग्गज लोक आहेत, बरेच लोक आपल्याकडे राजकीय सामाजिक आणि इतर लोक जे येतात ह्या वेळेला ह्या सगळ्यांचं स्वागत. आणि मला ज्या ह्या कार्यक्रमाला मला बोलवलेलं आहे मी सगळ्यांचा आभार मानतो आणि दोन शब्द संपतो. हमारे भाई नावेश जाधव जी और फुरकान शेख जी, आसिफ शेख जी और संतोष पाठक जी, इन्होंने आज जो रोज़ा इफ्तार पार्टी का जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो देख के यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसा हिंदू और जो मुस्लिम भाईचारा का जो माहौल है यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बरकरार है. और ऐसे ही आगे ये तो वैसे भी करते आ रहे हैं हर साल, और ऐसे भी आगे इनके थ्रू से कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हो जाए यही हम मनोकामना से मतलब दिल से चाहते हैं. थैंक यू. द्वारा क्या कहना चाहेंगे? ये जो इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ है ये बांद्रा के सभी लोगों ने मिल के किया हुआ है, बहुत सारे उनकी मेहनत है. आज हम सभी को बुलाया है. ये जो रमज़ान का महीना होता है बहुत इबादत का महीना होता है, इसमें नमाज ये पूरे महीने में दुआ पड़ी जाती है लोगों को अच्छा रहने का, साल भर के लिए पूरे भारत देश को अच्छा सुख शांति समृद्धि ये मार्ग देने का काम ये महीने में होता है. बहुत सारे लोगों को इबादत मिलती है, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे. उनको दुआ में हर आदमी अपने दोस्तों को अपने परिवार को याद करके उनके लिए दुआ करता है. ये महीने में जो अल्लाह ताला रोज़ा रखता है वो रोज़ा छोड़ने का टाइम, यानी हम लोग में उपवास रखते हैं, उपवास छोड़ने का जो रमज़ान मुबारक इफ्तार होता है ये उस सबको बुला के दुआ में याद करके सब जन अपना रोज़ा छोड़ने का काम करते हैं. जो भी रोज़ा है उनके लिए क्या कहेंगे? जो भी है जो रोज़दार है उनको यही बोलेंगे कि पूरे विश्व में ये भारत देश में ये जो बीजेपी सरकार जो आतंक लाई हुई है वो इनका हटाने का दुआ में सब ने ये हटने का काम होवे ये हम लोग दुआ करते हैं. धन्यवाद. अच्छा आज के इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, उसमें सभी लोग यहाँ के जो जाने माने लोग हैं, स्कूल एजुकेशन से लेके सोशल वर्क से लेके एकेडमिक्स लेके लॉयर्स डॉक्टर्स पॉलिटिशियन सभी लोग यहाँ पे आए. और जो मकसद होता है सबको साथ में लेके भाईचारा रखने का और धर्म में एक सलोखा बनाने का वो मकसद होता है, वो हम हिंदू मुस्लिम और अलग जात के सब लोग एक सेक्युलर मैसेज जो देना ज़रूरी था वो आज उस हिसाब से दिया गया है. और ये बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र है, इन्होंने बहुत शान से ये किया, उनकी टीम ने उनको मदद की, इसलिए मैं उनको अभिनंदन करती हूँ, मुबारक देती हूँ. आज जो इफ्तार प्रोग्राम हुआ है पहले तो मैं सभी को पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सब यहाँ पर आए, क्योंकि इंसान का वक्त बहुत कीमती होता है, बट लोग जो आते हैं वो दिल से आते हैं. सबके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. इस वक्त आज हमने जो इफ्तार के माध्यम से जो एक पीस का मैसेज देना चाहते थे हमने पीस किया, क्योंकि आप देख रहे हो कि आज के वक्त जो देश में माहौल चल रहा है वो बहुत गंदा माहौल चल रहा है, तो वो माहौल ख़त्म करने के लिए लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं. हमारे सारे मेम्बर समीर भाई है सब लोग हैं, उन्होंने मदद की ये इफ्तार ऑर्गेनाइज़ करने में, उनका दिल से शुक्र अजार करता हूँ. और ऐसे ही हम करते रहेंगे. और जो भाजपा की सरकार चल रही है उसको हटाने का एक मकसद और एक पीस का मैसेज देने के लिए हमने ये इफ्तार ऑर्गेनाइज़ किया. रमज़ान के महीने में आप ऊपर से क्या दुआ करने वाले हैं? मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि देश में अमन शांति बनी रहे, जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं उनको जल्द से जल्द कुर्सी से हटाया जाए. सर आप भी कुछ दो शब्द कह दीजिए. बस हमारे फुरकान शेख भाई की मोहब्बत में हम यहाँ. शब्बीर अरमान. मेरा नाम फिरोज़ा है और मैं मुंबई की फर्स्ट बाइसिकल मेयर हूँ. मेरे लिए फुरकान भाई समान ही है. हम मिले थे पहली बार जब सुप्रिया सिले जी मेरे स्टोर पे आए थे अरबिन काटने के लिए. बट जिस तरह से मैं उनको जानती हूँ पहचानती हूँ,
और जिस तरह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे लोगों को जुड़ा के अमन शांति का जो हमने आज मुहिम रखा है, ये एब्सोल्युटली आज के टाइम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब मैं देख रही हूँ यहाँ पे तो सब लोग हैं जो सपोर्ट में हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो आई रियली विश ऑल द लक टू फुरकान एंड कीप डूइंग द गुड वर्क। फुरकान सिंह द्वारा आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह अच्छी क्राउड देख लो आप, सब खुशहाल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में, ये पैगाम है हिंदुस्तान की जो फिरका परस्त ताकत उनके लिए पैगाम है। आज इतना बड़ा दिन है, अभी बड़ी रात आ रही है, दुआएं होगी देश के लिए, दुआएं होगी कौम के लिए, दुआएं होगी अपनी सबकी खुशहाली के लिए दुआ होगी। और ये अपना खाटिक सारा फाउंडेशन जो बहुत अच्छा काम करता है नावेश भाई की अध्यक्षता में, सब बच्चे लोग हैं, सब हमारे बच्चे ही, इनको जो भी मदद चाहिए हम हमेशा बोलते हैं कि आओ, मेडिकल में करते हैं, सोशल काम करते हैं, सब चीज़ों में है, तो ये बढ़ावा हमको देना चाहिए। नए नए लोग वही जुने जुने चेहरे सब दिखते हैं, वो भाग रहे पार्टियां छोड़ छोड़ के, उनके पीछे ही लोग जाते थे। तो ये कौम को भी मेरा संदेश है कि अपने आप को देखो, किसके पीछे तुम गए, कौन क्या करके दिया तुम्हारे को। आज हमने इतना लड़ाई करके 2009 से 2010 से शुरू किया लड़ाई, कब्रस्तान शमशान और सिमेट्री पास किया नरगिस दत्त नगर के पीछे, हमने अपने बांद्रा वेस्ट में ये नहीं था मैडम, जब हम लोग को नौपाड़ा जाना पड़ता था 4-5 किलोमीटर इतनी तकलीफ उठा के, फाटक से इधर से उधर से हिंदू समाज को भी शिवाजी पार्क जाना पड़ता था और वही नौपाड़े जाना पड़ता था, तुम्हारा माहित है सगड़ो। तो आज इतनी जद्दोजहद करके, ये मेरा काम नहीं था, मैं तो एक मामूली सा नगर सेवक हूँ, ये काम बड़े लोगों का था जो इतने साल हुकूमत करे, एक हौदे पे चले गए, कोई नहीं किया ये। तो ये कौम को समझना चाहिए, ये ठीक है इफ्तार पार्टी है, ये है, इसमें सियासत की बात नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमारे लोगों को समझना चाहिए। हमारी कौम जो है 2 लीटर दूध 1 किलो शक्कर हाँ इसके पीछे भागती है, इसी में रह गए, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों से बाहर निकलो, पढ़ाई करो, एडुकेशन के लिए करो, बच्चों की तालीम दो, तो आगे बढ़ोगे, ये तो कुछ नहीं होने वाला है, यही रहोगे ऐसे ही। हम लोग क्या, हम आए गए, मेरा तो इतिहास है देख लो, मैं तो लड़ता ही रहा, अभी तक लड़ रहा हूँ इन लोगों से। तो ये अच्छे लोगों को आने नहीं देते ये लोग, ये अपना एक हुकूमत जमा के रखते हैं, तो भाई हम, हमारे बाद वो, हमारे बाद वो, उनका वो रहता है। तो ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ यहाँ के फाउंडेशन की वजह से, हमारी एक्स मेयर साहिबा है निर्मला सावन जी है, और भी लोग हैं यहाँ पर जिनके मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं चाहता हूँ कि हर साल नावेश भाई इसी तरीके से आप प्रोग्राम और भी रखिए, सब एक जुड़ाव रखिए, प्यार मोहब्बत रहना चाहिए मुल्क में, इसी के ऊपर हमारी तरक्की होगी, कौम की तरक्की होगी, सबकी तरक्की होगी। और मेरी तरफ से हमेशा जो आपको मदद चाहिए मैं हूँ हमेशा आपके साथ। हाँ शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ इफ्तार पार्टी, और सारी कम्युनिटी सब साथ में खाए पिए, सब एक यूनिटी का एक मैसेज आया यहाँ से, तो वेरी गुड, वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज्ड बाय फुरकान, आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस इफ्तार पार्टी। एक्चुअली इफ्तार पार्टी बहुत अच्छा हुआ है, फुरकान शेख अपना भाई है और ऐसा उसने प्रोग्राम रखा है, मैंने सोचा नहीं था, बट बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया गया। ये जो है कि बांद्रा में ऐसे हमेशा प्रोग्राम्स रखते हैं जिसमें सब लोग यूनाइटेड हैं, आपने देखा होगा कि हर किस्म के लोग, एवरी कम्युनिटी, मतलब मुस्लिम, इवन हिंदूज और सब कम्युनिटी के लोग आज इफ्तार पार्टी के लिए एक जगह असेंबल हुए और सब लोगों ने इसमें पार्ट लिया, और तमाम जो है कि बांद्रा की बड़ी बड़ी डिग्नेटरी आज यहाँ पे प्रेजेंट थी। ये बहुत ही अच्छा मैसेज था लोगों को यूनाइट करने का, और वी आर वेरी थैंकफुल दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस इफ्तार पार्टी। थैंक यू टू फुरकान भाई, दुआ करता हूँ अगले साल और हर साल फुरकान भाई ऑर्गेनाइज एन इफ्तार पार्टी एंड इंशाल्लाह गेन बेटर एजुकेशन इवन हैप्पी।